महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर का नकली पैन कार्ड बनाकर हुई लाखों की ठगी, हुई 5 लोगों की गिरफ्तारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एएसके स्पोर्ट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो हमको बताने वाली है कि महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर का नकली पैन कार्ड बनाकर इतने दिनों से कौन ठगी कर रहा है। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और साथ ही आप भी इन दोनों हस्तियों के फैन है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी इस समय चेन्नई सुपर किंग की टीम के लिए चेन्नई में अभ्यास कर रहे हैं। वह आगामी IPL में टीम की कप्तानी करेंगे, लेकिन ये उनका आखिरी साल हो सकता है। इसके बाद वह क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले सकते हैं। खैर अभी जो खबर आई है वो ठगी गैंग की है, जिसने धोनी सचिन तेंदुलकर के साथ बॉलीवुड सितारों के नकली पैन कार्ड बनाकर लाखों की ठगी की है। दिल्ली पुलिस एक गैंग का पर्दाफाश किया है। यह गिरोह देश के नामी लोगों की डिटेल का गलत इस्तेमाल करता है। मीडिया रिपोर्ट में पुलिस की तरह से बताया गया है कि इस गैंग न सिर्फ क्रिकेटर बल्कि बॉलीवुड सितारे जैसे शिल्पा शेट्टी, आलिया भट्ट की पहचान डिटेल का गलत उपयोग किया और करीब 25 लाख रुपए की ठगी की है। इस गैंग ने बॉलीवुड हस्तियों और क्रिकेटर्स के नकली पैन कार्ड बनाए हैं और उनसे बैंकों को चूना लगाया है। MS धोनी सचिन तेंदुलकर के नकली पैन कार्ड बनाकर बैंक के साथ फ्रॉड किया और लाखों का चूना लगाया है। मीडिया रिपोर्ट के ईस्टर्न रेंज की ज्वाइनिंग सीपी के हवाले से बताया गया कि इस गैंग ने अभी तक 50 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया है। उन्होंने 90 से अधिक जानी मानी हस्तियों के नकली पैन कार्ड बनाकर लोगों को है। गैंग के इन लोगों को IT का भी ज्ञान है। वहीं दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी अभी IPL टीम के साथ चेन्नई में अभ्यास कर रहे हैं। वह गुरुवार 2 मार्च को चेन्नई पहुंचे थे। IPL का पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच 31 मार्च को खेला जाएगा। ये मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होना है। तो दोस्तों आज की अपडेट बस इतना ही। आपके इस खबर के बारे में क्या राय है आप अपनी महत्वपूर्ण कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।